मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तार जुड़ते हैं गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर इस मर्डर की जिम्मेदारी लेता है और कहा जाता है कि जो जो सलमान खान की मदद करेगा उसकी जान को खतरा हो सकता है। बिश्नोई गैंग और सलमान खान के बीच की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि 26 साल पुरानी है। साल 1998 में जोधपुर के कंकाणी गांव में काले हिरण का शिकार हुआ जिसका आरोप लगा सलमान खान पर। ये वो समय था जब सलमान खान जोधपुर में अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। आरोप है कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 1998 के बीच सलमान खान ने जोधपुर के अलग अलग इलाकों में 3 काले हिरण और 3 चिंकारा का शिकार किया। बिश्नोई समाज में हिरण को पूजनीय माना जाता है, इसलिए इस घटना के विरोध में सलमान खान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी गई। साथ ही बिश्नोई समाज ने कंकाणी गांव में 7 बीघा जमीन पर काले हिरण का एक भव्य स्मारक बनवाया। इस पूरे मामले में सलमान खान की जान को खतरा बताया जा रहा है। वहीं बिश्नोई समाज कहता है कि दुश्मनी खत्म हो सकती है। समाज के लोगों का कहना है कि सलमान खान को बिश्नोई समाज के कुछ नियम मानने होंगे। आपको बता देते हैं कि बिश्नोई समाज के 29 सिद्धांत हैं, जिनमें से एक है माफी का सिद्धांत। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया का कहना है कि मामला खत्म हो जाएगा अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं तो। 29 नियम का गुरु जंगेश्वर भगवान ने एक नियम यह भी है कि क्षमा दया हृदय धर्म। माफ अगर उसका प्रस्ताव आता है और वो गुरु महाराज के समाधि के सामने मंदिर के बाहर मत्था टेकता है और समाज के वो प्रस्ताव देता है माफ़ी का, तो उस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ब्लैक बक का अब पूरे मेरे को पूछा, मेरे गांव के पास ही बैठा और इस पर हम लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और भी लड़ रहे हैं और हम लोग न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। तो सलमान खान अगर बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगने के लिए तैयार है तो बिश्नोई समाज भी उन्हें माफ़ी देने के लिए तैयार है। माफ़ी दी जा सकती है अगर वो विधिवत प्रस्ताव देता है माफ़ी के लिए, तो दी जा सकती है। बिश्नोई समाज का कहना है कि सलमान खान को एक खास मंदिर में जाकर माफ़ी मांगनी होगी। ये मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील में है, नाम है मुकाम धाम। ये गुरु जम्भेश्वर महाराज का समाधि स्थल है। सलमान खान को यहीं पर जाकर माफ़ी मांगनी होगी। सलमान खान है वो एक अपराधी है, उसने काकानी जोधपुर में काले हिरणों का वन्य जो चिंकारा हिरण है उनका शिकार किया और अपराधी है और कोर्ट में अपराधी का मामला चल रहा है। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। अपराधी अपराध से मुक्त होने के लिए साम दाम दंड भेद लगा रहा है, लेकिन हमें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा। अपराधी अपराधी होता है। ये मंदिर बिश्नोई समाज के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आते हैं। यहाँ साल में 2 बार मेला लगता है जहाँ 10 से 12 लाख भक्त दर्शन करते हैं। हरियाणा पंजाब राजस्थान से भक्त मुक्ति धाम पहुँच कर माथा टेकते हैं। ये मामला एक समुदाय और एक नामी एक्टर के बीच का है। लोकल 18 का इसमें कोई मत नहीं है। हम सिर्फ आप तक वही खबरें दिखा रहे हैं जो हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से पता की है। लोकल 18 के लिए जोधपुर से कृष्णा गौर और बीकानेर से निखिल स्वामी की रिपोर्ट।